है बहुत ईजी प्रोसेस है इसको मैं भी यहाँ पर डिफ़ाइन करके आपको नहीं बताऊँगा अब मैं आपको सॉफ्टवेयर रिपोर्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ ये है बेसिकली इसका जेड के बायोटाइप सॉफ्टवेयर जो इसके सीडी में आया था और इसको हमने इंस्टॉल किया है इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली एक वेब बेस्ड ब्राउज़र में ये खुल गया है इसने एक अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया है प्लस पोस्ट कर माई सिकल डेटा बेस को यूज़ करते हुए ये आपका सॉफ्टवेयर चलता है और ये इधर आप क्रोम पर चलाएं फायरफॉक्स पर चलाएँ या एच पर चलाए ये उस पर चल रहा है जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपके पास ये पहले बोलेगा कि आप एडमिन अकाउंट क्रिएट करें मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हुआ हूँ तो मैंने अब इसको लॉग इन करते हैं जैसे ही लॉग इन करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सा डैशबोर्ड आपके सामने नज़र आता है ठीक है जिसमें अभी चूँकि डेटा नहीं है और अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है तो पे बता रहा होगा कि आपके कितने इंप्लॉयज़ प्रेजेंट हैं कितने एबसेंट हैं कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये लैन से कनेक्टेड है तो जैसे ही यहाँ पे कोई चेक इन होगा डिवाइस के ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस बंदे की फ़ोटो उस बंदे का टाइम ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा होगा तो ये एक बहुत अच्छा एक रिच फंक्शन है इसका टू डू लिस्ट वगैरह अगर कोई आपके इवेंट्स हैं चीज़ें आपने कोई टू डू लिस्ट बनाई हुई तो वो है। और बाकी आपके यहाँ पे समरीज वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं ऊपर बहुत सारे बहुत डिटेल्ड ऑप्शन हैं पर्सनलाइज पे जाएँ तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें पर्सनलाइज कर सकते हैं कि ये डिवाइस कौन से एरिया की है कौन से पोजीशन की है एम्प्लॉइज़ की क्या कैटेगरीज़ हैं क्या क्या मामलात हैं सारा वर्क फ्लो शिफ्ट ये सब चीज़ें आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं बहुत सारे बिज़नेसेस में शिफ्ट होती हैं सुबह शाम रात ये वो इस टाइप की तो वो ऑप्शंस भी आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी अच्छा डिवाइसेस में जाते हैं तो डिवाइसेस में जाके यहीं पे ऑप्शन होता है ऐड ऐड में अगर आप जाए तो कोई भी डिफ़ॉल्ट डिवाइस का नाम डाल दें डिवाइस का सीरियल नंबर जो कि आपको डब्बे से मिलेगा वो ज़रूरी है आई एड्रेस जो आपने इधर ऑलरेडी कन्फिगर की हुई है वो डालेंगे एरिया जो आप डिफ़ाइन करना चाहें और बाकी टाइम जोन सेलेक्ट करके कंफर्म करेंगे तो आपकी वो डिवाइस ऐड हो जाएगी जैसे ये ऑलरेडी मैंने की हुई है अच्छा इसी डिवाइसेस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको दोबारा ऑप्शन यहाँ पे दे देगा कि ये डिवाइस है ये सारी चीज़ें और उसके एरियाज़ डिफाइन करना कमांड मतलब बहुत रिच बहुत डिटेल्ड सॉफ्टवेयर बना हुआ है उस डिवाइस को सेलेक्ट करके यहाँ से आप डिवाइस को कोई रीपुट करना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं और उसके साथ साथ उसी डिवाइस से रिलेटेड मैसेजेस डेटा इम्प्लॉयज़ के वर्क कोड ये सब कुछ अगर आपने कुछ डिफ़ाइन करना है तो वो ये यह सब यहाँ पे आपको उस डिवाइस से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो आपने डिवाइस सेलेक्ट की होगी या ऐड की होगी अभी चूंकि आप इस डिवाइस में डेटा नहीं है तो आपको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा होगा इन्हीं डिवाइसिस में इन्होंने मोबाइल ऐप की भी फंक्शनैलिटी दी हुई अगर आप वहां पर सर्वर डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे मोबाइल ऐप का भी फंक्शन आ जाएगा और मोबाइल ऐप से भी अगर कोई डेटा वगैरह आप लोगों का है तो आप इसमें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और चीज़ें ऐड कर सकते हैं मोबाइल ऐप के अकाउंट से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं बना सकते हैं फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेंडेंस की फंक्शनैलिटी और अटेंडेंस की कॉन्फिग्रेशन ठीक है हर कंपनी के अपने अपने ऑप्शन होते हैं एच आर पॉलिसीज होती हैं चीज़ें होती हैं जैसे रेगुलर लेट इन अर्ली आउट एबसेंट नॉर्मल ओवर टाइम वीकेंड का ओवर टाइम होलीडे ओवर टाइम ओवर टाइम वन टू थ्री एनुअल लीव सिक लीव कैजुअल लीव दे हैव ऑलरेडी एक इन्होंने टेम्पलेट डिफाइन कर दी हुई है जिसमें आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है कि आप इसमें से कौन कौन से ऑप्शन रखना चाह रहे हैं कौन से नहीं रखना चाह रहे ठीक है यहाँ से ऑप्शन ये बेसिकली पे कोड्स हैं फिर कुछ फिक्स कोड्स हैं आवर्स ड्यूरेशन मतलब इन्होंने इतना डिटेल बना दिया है कि कुछ एक नॉर्मल छोटे मोटे बिज़नेस वाले तो पहले परेशान हो जाते हैं कि यार आप इसको चलाएंगे कैसे कुछ ग्लोबल रूल्स हैं ठीक है वीकेंड आपका कब होता है ये आप डिफ़ाइन करते हैं जी वीकेंड आपका सैटरडे और संडे है या सिर्फ संडे है ठीक है कलर सेटिंग क्या करनी है दो वीकेंड्स हैं एक वीकेंड है मतलब तो वही एक ऑफ है या दो ऑफ़ है वर्किंग आवर्स क्या है ओवर टाइम क्या है कैलकुलेशन की सेटिंग्स क्या रखनी है मतलब इतनी चीज़ें हैं शिफ्टिंग यहाँ पे यहाँ समझ लें कि आप पूरी अपनी अटेंडेंस की रूल्स अटेंडेंस के रूल्स पॉलिसीज़ स्केजूअल शिफ्टिंग अगर आप गौर से यहाँ देखें तो यहाँ शिफ्ट सारी रही है नज़र ब्रेक टाइम क्या हो सकता है टाइम टेबल क्या हो सकता है वो सब नज़र आ रहा है स्केजूअल्स की असाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं अब मैं एक एक ऑप्शन को डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगा लेकिन ये इतनी चीज़ें हैं कि जितना आप एक्सप्लोर करते रहेंगे उतना आपको बेनिफिट होता रहेगा और ये सॉफ्टवेयर आपको हर लेवल के ऊपर एक नई नया सरप्राइज दे रहा होगा इसी में ही अटेंडेंस में अगर आपने डेटा एक दफ़ा इंपोर्ट कर लिया है डिवाइस से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे working hours, उसके वर्किंग आवर्स उसकी चीज़ें ओवर टाइम रिपोर्ट लीव रिपोर्ट लेट इन रिपोर्ट ये सारी रिपोर्ट्स के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते जाएंगे और बहुत आसानी से सब काम हो सकता है मंथली रिपोर्ट्स हर चीज़ है एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो इधर एक्सेस कंट्रोल के लिए भी ऑप्शन है कि और ये डिवाइस जो हैं वो एक्सेस कंट्रोल को भी देखती हैं तो एक्सेस कंट्रोल के सारे ऑप्शन हैं कब कब कौन कौन सी चीज़ें कौन सा बंदा आके किस दरवाजे को खोल के गया कहाँ से खोला क्या प्रवलेजेस हैं क्या कॉम्बिनेशन हमने डालनी है वो सारे ऑप्शन और एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एन एच आर मैनेजर और अकाउंट्स मैनेजर वालों के लिए पे रोल जनरेट करना यहाँ पे मैं अगेन बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आगे कभी कभी बिल्कुल स्टकअप हो जाता हूँ वो इस वजह से कि इतना एडवांस बना हुआ है ये इतनी डिटेल्ड हैं चीज़ें कि जैसे मैं पे रोल पर गया हूँ तो यहाँ पर पहले तो आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए होंगे अब हर कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ डिपार्टमेंट्स आ रहे होंगे उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके इम्प्लॉज़ यहाँ पे पॉपुलेट बहुत आराम से हो जाते हैं उन्हीं के अगर आपने कोई फार्मूला ओवर टाइप का कोई फार्मूला है तो वो डिफ़ाइन कर दें कोई एक्सेप्शन फार्मूला है ठीक है कि इस लेवल पर एक्सेप्शन मिलेगी एम्प्लॉई को वो है लीव का क्या फार्मूला है आपका ठीक है और इन सब के ऊपर यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है जैसे आप ऐड पर जाएंगे तो पे कोड आप सेलेक्ट करेंगे कि भाई कौन सा है जैसे वो आपने सिक लीव थी ये वो और उसका जो भी फार्मूला है मतलब परसेंटेज के हिसाब से चीज़ों के हिसाब से वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं अगेन बहुत डिटेल्ड है हर चीज़ डिफाइन करेंगे उसमें एक्सप्लेन उस करेंगे इसमें तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करके दे रहा होगा लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो इन जनरली चीज़ों को एंड में रिपोर्ट करके आपको चीज़ें निकाल रहा होगा ठीक है एक्स्ट्रा फंड्स पेरोल सैलरी एडवांस कोई एडवांस सैलरी लेता है लोन मैनेजमेंट इतनी चीज़ें हैं इतनी चीज़ें हैं कि आप सोच रहे होंगे और वो आपको चीज़ें मिलेगी री एम्बर्समेंट ऑफ लोन रिपोर्ट्स एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हेयर ठीक है आप पेरोल मदर इज समथिंग के आप बहुत हद तक डिटेल्ड हर चीज़ कर सकते हैं अच्छा इसके बाद सो so, पेरोल में ये सैलरीज और ये सब चीज़ें सारे ऑप्शन आ रहे हैं अगेन अटेंडेंस के पैरामीटर्स डिफाइन करें लीफ फार्मूला मतलब हर चीज़ और यहाँ पे हर चीज़ के टैप्स खुलते जा रहे हैं आप लोग और से देख रहे हो मैं ये भी कुछ टैप्स बंद कर रहा हूँ ठीक है इस एक से विजिटर्स का टैप है अगर आप विज़िटर्स की कोई पॉलिसी डिफ़ाइन की हुई है आपने अपनी फैक्ट्री में स्कूल्स में तो यहाँ पर आप अपने विज़िटर्स को एंटर एंट्री कर सकते हैं और उस हिसाब से इस डिवाइस को आपको ये डिवाइस आपको एक्सेस देगी और सारा कुछ करके देगी मीटिंग्स ऑप्शंस हैं मीटिंग रूम्स के अंदर अगर ये आपने डिवाइस लगाई हुई है तो उसकी भी एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शंस हैं और फिर ये मैनुअल <coughs> ट्रांज़ेक्शन्स uh, की जो कैलकुलेशन है वो वो यहाँ पर आ रही है कि कोई अब नॉर्मल रिकॉर्ड या नॉर्मल रिकॉर्ड जो भी हैं वो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ से हो रही है ट्रांज़ेक्शन की डिटेल्स आ रही है और सारा कुछ अच्छा सिस्टम्स में आए तो यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आने चाहिए लेकिन फॉर यस ये आ गए मैंने कहीं और क्लिक कर दिया था सो so, यहाँ पर बेसिकली मेन जो सिस्टम रिलेटेड ऑप्शन होते हैं जैसे यूज़र्स कोई एडमिन वाला यूज़र है जैसे अभी एक यहाँ मेरा यूज़र है जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है अगर आपने यहीं से कोई और यूज़र भी ऐड करना है उसको क्या क्या राइट्स देने हैं क्या क्या चीज़ें करनी है वो सुपर यूज़र होगा या नहीं होगा क्या क्वांटिटी होगी सारी चीज़ें यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट डेटाबेस बेस कॉन्फिग्रेशन डेटा एक्सपोर्ट डेटाबेस का बैकअप लेना ठीक है माइग्रेट करना ऑटो एक्सपोर्ट की फंक्शनैलिटी रखना टेबल्स लॉग्स कॉन्फ़िगरेशन ये सब चीज़ें बहुत आराम से सेटिंग में आप ला सकते हैं जैसे यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में कॉन्फ़िगरेशन में जाके सिस्टम सेटिंग में यहाँ पे जाके अगर आप अपना लोगो लगाना चाह रहे हैं ऊपर जेट के को हटा के वो भी आप लगा सकते हैं कंपनी की लोगो डिस्क्रिप्शन सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि ये ईमेल्स भी सेंड करता है अगर आपको कोई रिपोर्ट्स वगैरह चीज़ें चाहिए कि ईमेल कर दें तो यहाँ पे आप अपना एस सर्वर डिफाइन कर दें मेल डॉट जैक्सन डॉट कॉम और वट एवर लाइक और पोर्ट ट्वेंटी फाइव बाई डिफ़ॉल्ट होती है उसका ईमेल पासवर्ड लिख के अकाउंट नेम कुछ करके सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ई भी भेज रहा होगा तो बहुत सारे ऑप्शन हैं पी एक्सपोर्ट करने की साइजिंग डिफाइन कर दें पंच स्टेट की सेटिंग्स डिफाइन कर दें ठीक है वीक की क्या सेटिंग्स हैं स्टार्ट ऑफ द डे मंडे से होता है आपका एक सैटरडे से होता है एवरी बिजनेस हैज़ देयर ओन सेटिंग्स ई मेल टेम्पलेट्स एवरी मतलब मैंने आपको ये सारी इसका एक क्विक ओवरव्यू दिया है अगेन इसमें जूम का भी ऑप्शन है कि आप जूम की अगर कोई आपने सेटिंग करनी है तो वो भी आप लगा सकते हैं ट्वेल्यो ऐड करना हो वो भी ऐड कर सकते हैं एफ़ की सेटिंग्स अगर आप डेटा कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली एफ़ टी पी पे अगर आप यहाँ से डिफाइन कर देते हैं तो ये डेटा एक्सपोर्ट कर रहा होगा एफ़ टी पी पे एक बैकअप रख रहा होगा तो अगेन इट्स वेरी हैंडी वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने वाले बने इसके अंदर इतने ऑप्शन हैं कि आपकी सोच से बढ़ के ये आपके साथ सारा काम कर रहा होगा सिक्सटी डेज़ का फ्री ट्रायल है उसके बाद इसका लाइसेंस बाय करना पड़ता है बट अगेन इट रियली वर्थ दिस सॉफ्टवेयर टू यू नो बाय द लाइसेंस अपार्ट फ्रॉम दैट या कोने पे आप एडमिन ऑप्शंस अबाउट और ये सारी चीज़ें आ रही हैं जिसमें इसका वर्जन और हर चीज़ आ रही है करंटली जैड के का ये 8.05 वर्जन है इससे पुराने भी वर्जन है इनकी एप्स भी हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं देख सकते हैं सारा काम ये आपको परफॉर्म करके दे रहा होगा तो देट सेट फॉर नाउ थीम्स ऑप्शन लॉग आउट ऑप्शन बहुत सारे हैं थीम्स आपने ग्रीन रखनी है ब्लू रखनी है ये सारे चीज़ें मतलब खेल कूद सकते हैं आप जिस तरीके से इसको आप चाह रहे हैं सो so, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस सॉफ्टवेयर के हवाले से चीज़ों के हवाले से अगर आपको अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर कन्फिगर करवाना हो हमसे या कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट करें रबता करें हम आपको ज़रूर बताएंगे कि सॉफ्टवेयर के साथ क्या क्या हो सकता है क्योंकि हम ये सॉफ़्टवेयर बहुत हद तक यूज़ कर चुके हैं खेल चुके हैं और कन्फिगर कर चुके हैं बहुत सारे बिजनेस में मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं हम भी मेहनत कर रहे हैं आप भी थोड़ा सा मेहनत करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं और चीज़ें बढ़ाते रहें तो मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाफ